कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास आता है, अगर वो यहाँ पे 3 मंथ्स कंप्लीट करता है तो उसकी एक बेस बन जाती है। हमारे कई सीखे हुए स्टूडेंट्स माशाल्लाह अपनी अपनी गैलरीज रन कर रहे हैं। हम ऑयल में सिखाते हैं, स्केचिंग सिखाते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं। हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद, और आज मैं लेके आई हूँ आपको एक ऐसी मुनफरद आर्ट गैलरी में जहाँ पे ऑयल पेंटिंग सिखाई जाती है। शगुफ्ता अजहर जो आर्टिस्ट हैं और पिछले 10 साल से जो है वो पेंटिंग सिखा रही हैं स्टूडेंट्स को। इस आर्ट गैलरी में हर किस्म के अफराद मौजूद हैं, बूढ़े बच्चे जवान लोग यहाँ पे जो है वो आर्ट सीखते हैं, ऑयल पेंटिंग सीखते हैं। और इनका कहना यह है कि तकरीबन 3 महीने के अंदर जो है वो यहाँ से आर्टिस्ट बनकर निकलता है एक कोई भी बच्चा, कोई भी इनका स्टूडेंट। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये ऐसा कौन सा जादू करती हैं जिससे इतनी अच्छी पेंटिंग जो है वो 3 महीने के अंदर बच्चे बना लेते हैं। बच्चे क्या हर किस्म के अफराद जो है वो यहाँ पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में बताएं, जैसा मैंने बताया कि 3 मंथ्स जो है वो आपकी लाइन होती है कि उसके बाद जो है वो आप किसी को भी आर्टिस्ट बना देती हैं यहाँ। हाँ जी, 3 मंथ जो हमारा जो ये कोर्स है इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास आता है, अगर वो यहाँ पे 3 मंथ्स कम्प्लीट करता है तो उसकी एक बेस बन जाती है। उसके बाद वो अकेले भी अगर काम करना चाहे तो वो कर सकता है। बाकी अगर सीखने के लिए तो एक उम्र चाहिए होती है, और इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, तो इस तरह से अगर कोई सीखना चाहे तो वो तो सालों भी आ सकता है। लेकिन 3 मंथ्स एक बेसिक क्राइटेरिया है हमारा, जिसमें अगर आप कंप्लीट करते हो तो फिर आपको इसकी काफ़ी नॉलेज आ जाती है। मतलब कि बेसिक जो है वो चीज़ें सीख ली जाती हैं 3 महीने में, और उसके बाद जो है वो उन्हें पता चल जाता है कि किस किस चीज़ को जो है वो फॉलो कर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैम, अपने बताएं अपने बारे में कि आपकी एड जो आर्ट गैलरी है उसको मैंने बताया 10 साल हो गए, किस तरह आपने शुरू किया, आपको किस तरह शौक़ पैदा? मुझे तो बचपन से शौक़ था, तो फिर मैंने इसको प्रॉपर सीखा भी मैंने यहीं से है, ठीक है। फिर इसको मैंने एज़ अ टीचर यहीं पे मैंने स्टार्ट किया सिखाना भी। अब 10 साल हो गए हैं मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, और हमारे कई सीखे हुए स्टूडेंट्स माशाल्लाह अपनी अपनी गैलरीज रन कर रहे हैं या फिर घर बैठ के अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, ऑयल पेंटिंग और इसमें कोई और भी डिफरेंट चीज़ें भी हैं? लाइक एक होगी ऑयल पेंटिंग, इसके अलावा किस किस तरीके से जो है पेंटिंग? ऑयल पेंटिंग, पेंटिंग के तो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी आता है, उसमें डिफरेंट पोर्ट्रेट्स आते हैं, लैंडस्केप्स आते हैं। इसके अलावा मीडियम्स डिफरेंट हैं, जैसे ऑयल पेंटिंग्स हैं, वाटर पेंटिंग्स हैं, एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं। लेकिन ये है कि हमारा जो बेसिक मीडियम है वो ऑयल है, ठीक है। हम ऑयल में सिखाते हैं, स्केचिंग सिखाते हैं पहले, उसके बाद हम ऑयल पेंटिंग सिखाते हैं। जो हमने 3 मंथ्स का कोर्स रखा है, इसमें 1st मंथ बच्चे स्केचिंग सीखते हैं, और 2nd और 3rd मंथ जो है वो पेंटिंग सीखते हैं। आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, और क्या हर उम्र के अफराद यहाँ पे आ सकते हैं? हाँ जी, कोई एज लिमिट नहीं है, 5 ईयर्स ओल्ड से लेकर आप किसी भी एज में हैं आप आ सकते हैं। क्योंकि इसको सिर्फ ये नहीं है कि ये इसको एज अ प्रोफेशन आप अडॉप्ट करें, एज अ हॉबी भी आप इसको कर सकते हैं। जो हमारे रिटायर्ड लोग होते हैं उनके लिए अक्सर करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो एज अ हॉबी भी इसको जो है अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी हर एज का ही स्टूडेंट आता है। अच्छा, अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताएं कि आपके स्टूडेंट्स पिछले 10 साल से जब आप चला रहे हैं तो कोई स्टूडेंट्स जो आज आपसे भी आगे निकल गए हो, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, हम उन्हें देखते हैं और खुशी होती है कि हमसे सीख के गए हैं और आज किसी मुकाम पर खड़े हैं। तो बाकी जो है हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग हमारे पास आते हैं, हर सोसाइटी का बंदा हमारे पास आता है, हमारे पास एलीट क्लास के भी बच्चे आते हैं, हमारे पास मिडिल क्लास के भी बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चे। जो हमारा जो मेन था ना टारगेट, वो ये था कि जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था इसको सीखना। तो हमारा जो मेन टारगेट वो हमारी सोसाइटी जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती।
बाकी आते हमारे पास सभी हैं माशाल्लाह। यहाँ पे एक ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको हर क्लास का बंदा मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेसिबल है, ईज़िली आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और हमारी फ़ीस जो है वो 1000 पर मंथ है एज़ यू नो, तो ये ऐसी फ़ी है जिसे हर बंदा ही अफोर्ड कर सकता है। अपनी पॉकेट मनी से जो है स्टूडेंट्स जो पे करते हैं फ़ीस हमारी, तो खुशी से आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये चीज़ बड़ी इसकी अच्छी है कि बड़ी एक्सेसिबल है, मतलब कि कोई भी बंदा यहाँ पे इजीली आ सकता है अपनी पॉकेट मनी लगा के। अगर अच्छा, ये आर्ट और ये सारा मुझे लगता है कि ये शौक़ की गेम है, आपको शौक़ है तो वो चल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंटरेस्ट तो आपके अंदर होना चाहिए, वो इंटरेस्ट ही है जिसे हम पॉलिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर दूसरा कोई भी टीचर हो वो कुछ नहीं कर सकता। तो इंटरेस्ट, वाकई जो स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के साथ आते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, बाकी जो फोर्सफुली आते हैं वो बेचारे फिर सीखते हैं। और फिर मतलब पेरेंट्स, आजकल आपको पता है कि बच्चे टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहे हैं, वो किसी हद तक अच्छी भी है और काफ़ी उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कोई क्रिएटिव काम करें, तो वो उनकी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा ये कर जाए। लेकिन अक्सर बच्चे ये होते हैं कि वो नहीं चाह रहे होते हैं कि हम ये करें, लेकिन ज़्यादातर मैंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा है। अच्छा मैम, ये बहुत कलरफुल एक चीज़ है ना, रंगीन सी, तो कलर्स कितना मैटर करते हैं आर्ट? कलर्स का तो खेल है सारा, आर्ट है ही कलर्स से रिलेटेड। आप अगर कलर्स निकाल दें तो आर्ट में क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। तो कलर्स के तो काफ़ी आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी ज़िंदगी पे, हम जो चल फिर रहे हैं नेचर में, हर चीज़ में कलर्स हैं, तो कलर्स के बगैर तो लाइफ कुछ भी नहीं है। सही है। नाज़िन, आपने शगुफ्ता सर की बात सुनी, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि बड़ी एक्सेसिबल सी इनकी आर्ट गैलरी है, यहाँ पर कोई भी जो है वो आ सकता है। और अगर किसी को शौक़ है तो उसके लिए तो डबल फ़ायदे हैं कि एक तो जो है वो सस्ते में आप आर्ट भी सीख लेंगे और यहाँ पे माहौल भी काफ़ी मज़े का है। तो इनसे तो बात आप हमने की, आपने सुनी, इनके स्टूडेंट से भी मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि हर उम्र का जो है वो फ़र्द यहाँ पर मौजूद है। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। मेरा नाम इरम है। तो मुझे वैसे ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मे बी 1 या 2 वीक्स मुझे हो गए हैं यहाँ पर। हाँ, स्केचिंग से एक्चुअली ये बिल्कुल आपका ना, यानी आप इसको बाय चॉइस नहीं कर सकते, आपको अंदर से जब आपका पैशन होता है ना तब आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपको बहुत यानी हेस्ट में आप ये काम नहीं कर सकते। जितना पुरसकून हो कि आप काम करेंगे और उतना उसमें, यानी आप कहते हैं जल्दी जल्दी हम ये सीख लें इससे नेक्स्ट स्टेज पर हम चले जाएं, तो उसमें ये नहीं है। ये मैं स्केच, उन्होंने सबसे पहले मुझे दिया बनाने के लिए, तो स्केच बना के फिर उसमें शेडिंग वगैरह और इस तरह की। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे क्योंकि ये एक बिल्कुल एक यानी एक लो प्रोफाइल जगह है, तो यहाँ पे क्योंकि इतनी चार्जेस भी नहीं हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे उन लोगों ने पेंटिंग वगैरह ये बनाई हुई है। तो पहले मैं ये सोचती थी कि मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ से ज्वाइन यहाँ पे करूँ या किसी और थोड़ी एडवांस जगह पे बंदा सीखे ना, थोड़ा बंदे को खुद भी होता है कि अच्छा किसी अच्छी जगह से हम सीखें। लेकिन मेरे ख्याल है जहाँ से आपको जो अच्छी चीज़ मिल रही है तो आपको वहाँ से ले लेनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा हमने तो वो फलां जगह से हमसे सीखा है, उस आर्ट गैलरी से सीखा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता ही रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा काम है इनका, तो इसलिए मैंने यहाँ से ज्वाइन किया।